गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र भावसार आपका फिजिक्स ट्यूटर फ्रॉम प्रज्ञा एकेडमी। आज हम बात करेंगे बच्चों, इससे पहले क्लास ट्वेल्थ में जो लास्ट वीडियो मेरा था उसके अंदर हमने एक्चुअल में बहुचयनात्मक प्रश्नों चैप्टर नंबर एक के बहुचयनात्मक प्रश्नों के बारे में बात की थी। अब हम उससे आगे बात करेंगे, दो बहुना जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं यानी बहु चयनात्मक प्रश्न जो होते हैं उसमें दो प्रश्न रह गए थे, ठीक है, उनको मैं बताता हूं, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल सेक्शन पे जाएंगे, ठीक है। देख, पहला क्वेश्चन, जो दो क्वेश्चन रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 14 है, ये क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है आपसे, कुछ दूरी पर 5 माइक्रोकुलाम तथा -5 माइक्रोकुलाम। यहां पर अगर राजस्थान बोर्ड की किताब में, ठीक है, +5 फिर थोड़ा सा गैप फिर सी लिखा हुआ है तो वहां पर माइक्रो लिखा हुआ है, +5 माइक्रोगुलाम तथा -5 माइक्रोगुलाम के आवेशों के मध्य 9 न्यूटन का आकर्षण बल कार्यशील है, इन आवेशों को परस्पर स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी रखने पर उनके मध्य बल कार्यशील बल हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो यहां पर ये वाला आवेश है आपका 5 माइक्रोकुलाम, ये वाला है बच्चों -5 माइक्रोकुलाम, ठीक है, दोनों के बीच में कुछ दूरी है और दोनों के मध्य जो बल लग रहा है वो 9 न्यूटन का है। कितने न्यूटन का है? 9 न्यूटन का। अब वो कह रहा है कि हम इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को क्या करते हैं बच्चों, ठीक है, स्पर्श कराकर, जैसे ये गोलों पर आवेश थे और इनको हमने गोलों को स्पर्श करा दिया, ये +5 हो गया और ये -5 हो गया, ये माइक्रोकुलाम है, ये भी माइक्रोकुलाम है, ठीक है। अब बच्चों जब स्पर्श कराकर इनको अलग करेंगे हम, तो स्पर्श कराने पर कुल आवेश जो है वो कितना हो गया? 0। कितना आवेश हो गया? 0। अब ठीक है, जब हम इन दोनों को अलग अलग यानी स्पर्श कराकर अलग करेंगे तो जो भी कुल आवेश होता है उसका आधा आधा डिवाइड करते हैं, तो 0/2, 0/2 मींस यहां पर आवेश हो गया 0 और यहां भी आवेश हो गया 0। अब इनको अगर हम उतनी ही दूरी पर रख देंगे, दोनों गोलों को अगर हम उतनी ही दूरी पर रख देंगे तो उनके मध्य जो बल होगा उस बल का मान कितना हो जाएगा बच्चों? F=K, पहले का आवेश 0, दूसरे का आवेश 0, बीच की दूरी r का स्क्वायर, यानी कितना बल हो जाएगा? 0। कितना बल हो जाएगा? 0। तो पहला आंसर है अनंत, दूसरा आंसर है 9×10^9 न्यूटन, तीसरा आंसर है 1 न्यूटन और चौथा आंसर है 0। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, दो परिमाण में समान विजातीय आवेश परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं। दो परिमाण में तो समान है परंतु विजातीय आवेश है, कुछ दूरी पर रखे हैं तो रख देते हैं। देखो ये आवेश है +Q तो ये आवेश है -Q, कुछ दूरी r दूरी पर रखे, ठीक है, कुछ दूरी पर रखे हैं, इनके मध्य F न्यूटन बल लगता है। कितना बल लग रहा है दोनों के बीच में? F, ठीक है। यदि एक आवेश का 75% दूसरे आवेश को स्थानांतरित कर दिया जाए तब उनके मध्य पूर्व बल का मान कितना गुना हो जाएगा? ये वाला जो आवेश है इसका 75% उस दूसरे आवेश को देना है, तो इसका 75% तो निकाले पहले पर, 75% निकालने का मतलब हुआ 75/100 किसका निकाल रहे हैं आप? क्यू का। ये जो आवेश है ये आवेश इसमें जोड़ देना है, किसको देना है? इसको देना है, तो इसमें -Q+ कितना जोड़ना है बच्चों? 75/100 × Q, इतना आवेश हो गया,
ठीक है। तो अब अपन ऐसा करते हैं कि इस पर जो आवेश है उसका मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहां से अगर अपन काटें तो ये 3/4 होगा, 25 से काटा 75 को 3 बार, 25 से काटा इसको 4, तो ये -Q+3/4Q, ठीक है। तो कितना बचा बच्चों बताओ, ये टोटल आवेश कितना रहा, ये है -Q और ये है 3/4Q, तो कितना बचा -Q/4 बचा, कितना बचा -Q/4। अब बच्चों बात क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इनको अगर हम इतनी ही दूरी पर रखें, ये तो प्लस क्यू है ही, और ये वाला सॉरी जब इसमें से इतना चला गया तो यहां पर क्या बच जाएगा, Q/4 बच जाएगा, ठीक है। देखो इस क्यू का 75% यानी के 3/4 भाग हमने उसको दे दिया था, तो वहां का आवेश बना -Q/4 और यहां पर कितना बना +Q/4, क्योंकि क्यू में से 3/4 क्यू घटाएंगे तो कितना बचेगा Q/4, तो ये आवेश तो है प्लस का Q/4 और ये वाला आवेश है -Q/4, दोनों के बीच में वही दूरी रखते हैं। तो अब बल कितना होगा निकालते हैं, मान लिया बल अब कितना होगा F1, नोटेशन F1 माना है, ठीक है। तो देखो K Q/4, फिर दूसरा Q/4, बीच की दूरी R², क्लियर। तो F1 का मान अगर हमने निकाला तो वो कितना आया बच्चों, K Q Q Q² 16, 4 × 4 नीचे आ जाएगा 16 R², क्लियर। अब बच्चों अगर हम देखें तो 1/16 और ये जो आपका KQ² / R² जो था उसका मान तो F के बराबर है, क्योंकि उसने शुरू में बोला था आपको कि दोनों आवेश Q, ठीक है, और -Q R दूरी पर रखे हैं, यानी कुछ दूरी पर रखे हैं, तो उनके मध्य बल कितना है F है, तो ये F बराबर K, पहला आवेश Q, दूसरा भी Q, बीच की दूरी R², इसलिए F का मान कितना हुआ KQ² / R² यानी कि ये आपका मान हुआ 1/16 × F, यानी कि बाद में बल जो हो जाएगा वो 1/16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों F/16, क्लियर। चलो तो बच्चों इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके हुए। अब हम न्यूमेरिकल सेक्शन के बारे में बात करें, यस बच्चों, अब हमको बात करनी है न्यूमेरिकल सेक्शन की, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सेक्शन में देखो चैप्टर फर्स्ट आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये जो चैप्टर फर्स्ट है, ये जो चैप्टर फर्स्ट है इसके न्यूमेरिकल सेक्शन पर आते हैं। यानी आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न में पहला प्रश्न है बच्चों, बड़ा सिंपल प्रश्न है, ये बोल रहा है 2 × पहला प्रश्न जो है वो 2 × 10⁻⁷ तथा 3 × 10⁻⁷, दो आवेश है, दो आवेश है, पहला आवेश है 2 × 10⁻⁷, ठीक है, और दूसरा आवेश है 3 × ठीक है 10⁻⁷ कूलाम के हैं, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, उनके मध्य बल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बल एफ बराबर के, पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2, बीच की दूरी R², आपको क्या करना है बच्चों, पहला आवेश Q1 2 × 10⁻⁷ कूलाम, दूसरा आवेश Q2 बराबर है 3 × 10⁻⁷ कूलाम, 3 × 10⁻⁷ कूलाम, ठीक है। बीच की दूरी आर 30 सेंटीमीटर है, इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे हम तो 10⁻²² से गुणा करना पड़ता है। यहां पर आपको ये तीनों मान इस फॉर्मूले में पुट करने हैं, के मान आप जानते ही होंगे, के बराबर 9 × 10⁻⁹, ठीक है। ये मान आपको यहां पर इस सूत्र के अंदर रखने हैं, तो पहला प्रश्न जो है वो आपका हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हमको,
क्वेश्चन नंबर दो है, दो समान धातु के गोले प्लस 10 माइक्रोकुलाम एवं माइनस बाय 20 माइक्रोकुलाम आवेश से आवेशित किए गए हैं, यदि इनको एक दूसरे के संपर्क में लाकर अलग कर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए तब दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात होगा। देख, दो समान धातु के गोले हैं, एक पर प्लस 10 माइक्रोकुलाम आवेश है, दूसरे पर माइनस 20 माइक्रोकुलाम आवेश है, आवेशित किए गए हैं, यदि इनको एक दूसरे के संपर्क में लाकर अलग कर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए। देख, एक तो है, डाटा देख लेता हूं, 10 माइक्रोकुलाम ये एक गोला लिया अपन ने, ध्यान दें ये एक गोला लिया, ये है बच्चों 10 माइक्रोकुलाम, ये दूसरा गोला लिया बच्चों मैंने, यह है माइनस 20 माइक्रोकुलाम, ये कुछ दूरी पर रखे हैं मान लो R। अब वो बोलता है कि इन दोनों को स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर ये अलग कर देंगे, तो उतनी ही दूरी, कितनी दूरी, वही R पर रखना है। तो बच्चों यहां पर आप देखते हैं कंसेप्ट ये है कि जब हम स्पर्श कराते हैं तो स्पर्श कराते समय कुल आवेश कितना हो गया, प्लस का 10 और माइनस का 20, ये प्लस का 10 माइनस 20 बराबर कितना हुआ, माइनस का 10 माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो स्पर्श करते समय टोटल आवेश कितना था उसको आधा आधा डिवाइड करना है, तो माइनस 10 माइक्रोकुलाम है तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 5 माइक्रोकुलाम, आधा करना है यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 5 माइक्रोकुलाम। ठीक है, उतनी ही दूरी पर रख देते हैं। ठीक है, उतनी ही दूरी पर रख दिया, यहां पर हमने जब ये 8 दूरी पर थे 10 माइक्रोकुलाम और 20 माइक्रोकुलाम, तब एक्चुअल में अगर बल का मान निकाले हम तो बल F1 बराबर कितना था, के 10 ये 10 10 टू द पावर माइनस 6, फिर 20 10 टू द पावर माइनस 6 और दूरी R स्क्वायर, ये आपका F1 था। अब F2 का मतलब हुआ स्पर्श कराने के पश्चात के 5 गुणा 10 की घात माइनस 6, दूसरा भी 5 गुणा 10 की घात माइनस 6, बीच की दूरी वही रही R स्क्वायर। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो कह रहा है आपको दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात निकालना है। ठीक है, दोनों अवस्थाओं में, एक अवस्था तो ये रही, एक अवस्था ये रही, तो दोनों का अनुपात निकालना है, यानी F1 अनुपात F2 करना है, F1 अनुपात F2 करना है, तो के आर स्क्वायर और के आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 6, यहाँ 10 टू द पावर माइनस 6, यहाँ 10 टू द पावर माइनस 6, यहाँ 10 टू द पावर माइनस 6, ये भी कैंसिल हो गया। अब बच्चों यहाँ पर क्या बचा, 10 इंटू 20 यानी कि 200, और यहाँ बचा आपका 5 इंटू 5 यानी कि 25, यानी कि F1 अपॉन F2 के बारे में अगर हम बात करें तो देखो 10 इंटू 20 कितना हुआ 200, नीचे हुआ 5 इंटू 5 25, कितना आया बच्चों 25, 200 को कितनी बार गेट काटेगा 8 बार, तो आंसर आएगा 8:1। क्लियर, कितना आएगा 8:1। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा क्वेश्चन था, आंकिक प्रश्न जो है उनका न्यूमेरिकल नंबर 2 था। अब हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की। ये कह रहा है कि ए भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के, चलो ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ए व बी पर समान आवेश क्यों है, त्रिभुज के बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। ए और बी उसने नीचे दिए हैं, मैं बना देता हूं। देखो इस तरह से है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, बड़ा सरल सा प्रश्न है, ये दिया उसने शीर्ष ए, ये दे दिया आपको शीर्ष बी, और ये बोल रहा है शीर्ष सी, लेकिन शीर्ष ए पर बोल रहा है कि प्लस क्यू आवेश है, शीर्ष बी पर भी प्लस क्यू आवेश है, और सी जो बिंदु है इस सी बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि प्लस टू आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी, दूर की ओर, इस प्लस टू आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी, दूर की ओर, क्योंकि ये
समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है बच्चों? समबाहु। और भुजा कितनी दे रखी है? ए। तो ये वाला कोण 60 डिग्री हुआ, तो ये वाला कोण भी 60 डिग्री हुआ कि नहीं? जब ये वाला कोण और ये वाला कोण 60 डिग्री हुआ तो परिणामी बल एफ आर, ठीक है, तो परिणामी बल एफ आर बराबर होगा बच्चों कितना होगा बताओ? लेकिन यहां पर बल नहीं निकाल रहे हैं, सॉरी, वैसे तो क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ई आर, ये प्लस क्यू आवेश जो है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान ली हमने ई वन, बी पर जो बी शीर्ष पर जो आवेश था उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान ली हमने ई टू, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हुई बच्चों? ई आर बराबर अंडर रूट ई वन का स्क्वायर, फिर हो गया बच्चों ई टू का स्क्वायर, फिर टू ई वन ई टू कोस थीटा, थीटा बराबर तो 60 डिग्री है ये आपको पता है। और अगर आप ध्यान दें तो ई वन बराबर ई टू बराबर कितना होगा बच्चों? के, आवेश का मान क्यू, ठीक है, दूरी कितनी है बच्चों? ए, इसके लिए भी ए, आवेश ये भी क्यू था, ये भी क्यू था, तो कितना हुआ बच्चों? ए स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर अपन ई लिख देते हैं तो आपका ई आर जो होगा वो ऐसे आएगा अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस टू ई इंटू ई ई स्क्वायर को 60 वन बाई टू, टू से टू हो गया कैंसिल, ई आर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? अंडर रूट थ्री ई स्क्वायर, मीन्स हो जाएगा रूट थ्री ई, क्लियर, तो ई आर बराबर रूट थ्री ई, E का मान कितना है? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्लियर। यहां पर रूट थ्री ई, ई बराबर किसका मान रहा था? के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी क्यू स्क्वायर नहीं है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, क्लियर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है बच्चों मन से? क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है दो समान आवेशित गोलों को, दो एक समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया जाता है, डोरियां परस्पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। चलो मैं दो गोले ले लेता हूं, एक गोला ये रहा, एक गोला ये रहा, बराबर लंबाई की रस्सियां हैं ये, इनको अपन एक ही बिंदु से लटकाएंगे, दो एक समान आवेशित, दो एक समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया जाता है, डोरियां परस्पर 30 डिग्री का कोण बना रही है, ये कितने डिग्री का कोण है? 30 डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाती है। जब 0.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व के द्रव में लटकाया जाता है तब भी वही कोण रहता है यदि गोले के पदार्थ का घनत्व 1.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तब द्रव का पैरावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। 0.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ये दिया है बच्चों द्रव का घनत्व, ठीक है, और पदार्थ का घनत्व दिया 1.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। चलो अब मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं आपको, ठीक है, आप पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझें, सब बच्चे ध्यान दें, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लें इसके, ठीक है। देखें यहां पर लिख सकते हैं ये जेई मेंस में कई बार आ चुका है, ठीक है, दो बार रिपीट हो चुका है ये प्रश्न, ठीक है, ये वो प्रश्न है। इस प्रश्न के बारे में बताता हूं, द्रव का घनत्व, द्रव का घनत्व दिया बच्चों उसने 0.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की, लिखूंगा तो आपका सिस्टम मिल पाएगा, कितना दिया बच्चों? 0.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब द्रव का घनत्व जिसके अंदर हम इस सिस्टम को डुबोएंगे। फिर वो बोल रहा है गोले, गोले के
पदार्थ का घनत्व। यह है बच्चों 1.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये कितना है बच्चों 1.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये जो गोला जिन पदार्थ से बना ना उन पदार्थ का घनत्व। दो घनत्व दिए हैं आपको। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसा प्रश्न है। देखो अब क्वेश्चन क्या है, पहले वापस से एक बार क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दो गोले हैं, एक का नाम ए एक का नाम बी, ये देता हूं मैं। ये दो गोले हैं बच्चों, गोले ए और बी। ये दोनों गोले बिल्कुल एक जैसे हैं, एक ही पदार्थ से बने हैं और जिस पदार्थ से बने हैं उसका घनत्व 1.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अब बच्चों वो बोल रहा है कि यहाँ पर इन दोनों गोलों को हमने समान लंबाई की डोरियों से लटकाया है। डोरियों के बीच का कोण जो है वो 30 डिग्री बनता है। कितने डिग्री बनता है? 30 डिग्री बनता है। तो मैं तो यहाँ पर 30 डिग्री नहीं थीटा मान लेता हूँ इसको। कितना मान लेता हूँ? थीटा। ठीक है, अब बच्चों ये थीटा बराबर उसने 30 डिग्री दे रखा है। क्लियर। अब वो ये कहता है कि इस पूरे सिस्टम को, ये जो सिस्टम है ध्यान दें, सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से समझना है। इस पूरे सिस्टम को मैं क्या करता हूँ, इस पूरे सिस्टम को एक द्रव में डुबो देता हूँ। उस द्रव का घनत्व है 0.1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। उस द्रव का घनत्व कितना है? 0.1 ग्राम सेंटीमीटर, 0.1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब वो द्रव का घनत्व है। अब बच्चों ध्यान दो आपको, ठीक है, मैं यहां पर क्या करता हूं वो द्रव वाली पोजिशन बना देता हूं। तो बच्चों ये जो कहता है कि जब आप द्रव में इसको डुबोते हो, सिस्टम इस तरह से बना देता हूं ताकि आपको द्रव नजर आए, ज्यादा नहीं बनाऊंगा इस तरह, ये द्रव लिक्विड, ये द्रव में हमने इसको डुबो दिया। ठीक है, तो वो जो कहता है कि दोनों रस्सियों के बीच का कोण जो है ना थीटा बराबर, जो मैं 30 डिग्री बोल रहा था, ठीक है, वो अब भी समान रहता है, तो अब भी समान रहता है तो द्रव का पैरा वैद्युतांक, द्रव का पैरा वैद्युतांक यानी कि एप्सिलॉन आर क्वेश्चन मार्क है। द्रव का पैरा वैद्युतांक याद करो, ये प्रश्न। अब बच्चों यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये 0.1 ग्राम द्रव का घनत्व, इसको थोड़ा स्पेस चाहिए लिखने के लिए, इसलिए ये दोनों फोटो एटीजी बटे बने रहने चाहिए। ठीक है, देखो बच्चों यहां पर आते हैं, तब बच्चे ध्यान देंगे। अब गोले हैं तो इन गोलों का कुछ द्रव्यमान होगा, तभी तो उसने घनत्व दिया। तो हम जानते हैं गुरुत्वीय बल MGS लगेगा। हम ये भी जानते हैं कि रस्सी में तनाव होगा। ठीक है, क्यों तनाव होगा? क्योंकि यहां पर Q आवेश है तो यहां पर भी Q आवेश है। दोनों गोले समान आवेशित हैं, तो ये वाला B गोला इस A गोले को ऐसे प्रतिकर्षित कर रहा होगा। ऐसे ही गोला A जो है वो B को ऐसे प्रतिकर्षित कर रहा होगा। ऐसी यहां पर कितना बल लगा? Fe का मतलब दोनों गोलों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसलिए उसको ऐसे लिखा है मैंने। तो देखो गोला ए आवेशित है, गोला बी आवेशित है, गोला ए बी को यूं धक्का देगा, गोला बी ए को यूं धक्का देगा। क्लियर। तो यहां पर रस्सी में तनाव मान लेते हैं बच्चों हम टी। ठीक है, अब बच्चों मैं यहां पर आपको एक गोले का FBD बना के बताता हूं। ये लग गया आपका MG, ये लग गया आपका FE, ये लग गया आपका तनाव टी। क्लियर। अब बच्चों अगर हम यहां देखें, तो ये कोण होगा थीटा बाई टू। क्लियर होगा कि नहीं? तो ये टी ले लिया हमने। ठीक है, या हम ऐसा करते हैं, ये बाई टू का चक्कर हट जाएगा, हम इसको टू थीटा कोण ले लेते हैं। कितना कोण ले लेते हैं? टू थीटा कोण। कितना कोण? तो यहां पर टू थीटा रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो उससे क्या होगा कि ये लाइन जो हमने बनाई है ये, ठीक है, तो यहां पर ध्यान दें आप, जब मैंने ये पूरा कोण टू थीटा माना है, घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से कंसंट्रेट होते हुए, पूरा कोण टू थीटा है।
ये कोण कितना होगा थीटा, ये वाला कोण कितना होगा थीटा, क्लियर। तो ये वाला कोण कितना हो गया बच्चों थीटा। अब बच्चों बात क्या है कि अगर हम इस तनाव के घटक करें, क्योंकि ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण कितना होगा थीटा, ये जो तनाव टी है इस टी के अगर हम घटक करेंगे तो ये वाला घटक होगा बच्चों क्या, ये वाला घटक तो होगा टी साइन थीटा और ये वाला घटक होगा टी कोस थीटा, होगा कि नहीं। अब बच्चों बात क्या है कि इस एक गोले का एफबीडी हमने बनाया और गोला चूंकि एक्चुअल में साम्य अवस्था में है, किसमें है, गोला साम्य अवस्था में यानी स्थिर है, दोनों गोले जो हैं इस तरह से लटक रहे हैं इस तरह से, ये एक गोला इस रस्सी पर है, एक गोला इस तरह से, तो इस पर बल लग रहा है यूं, इस पर बल लग रहा है यूं, और यहां पर ये स्थिर है, ठीक है। अब दोनों के बीच में कोण जो है वो है, ठीक है, 30 डिग्री है, समानता है, यानी कि यहां पर ये स्थिर है, यहां पर ये वाला गोला स्थिर है। अब ये गोले स्थिर है इसका मतलब कुल बल कितना होना चाहिए, शून्य, इसका मतलब ऊपर वाले बल नीचे वाले बल के बराबर और इधर वाले बल के बराबर होना चाहिए। तो हम यहां पर क्या करेंगे बच्चों, समीकरण लिख देंगे, देखो इधर ये टी साइन थीटा बराबर लिखूंगा मैं एसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और टी कोस थीटा बराबर लिख दूंगा बच्चों मैं एनर्जी, लिखूंगा कि नहीं। टी साइन थीटा इधर बल है, किसके बराबर होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, टी कोस थीटा के बराबर कौन होगा, एनर्जी। तो बच्चों अगर हम यहाँ देखें तो टी से टी कैंसिल, साइन में कोस का भाग दे देंगे तो टेन आ जाएगा, तो एसी अपॉन एनर्जी, यानी कि प्रकट करता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ काम की बात, टेन थीटा बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन एमजी, क्लियर है। तो ये हमने लिखा किस के लिए, ये निर्वात में है अभी। अब हम क्या करते हैं, अब इस सिस्टम को उठाकर हम द्रव में रख देते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब जब हम इस सिस्टम को उठाकर द्रव में रख देंगे, मैं ये मिटा देता हूं, मुझे स्पेस चाहिए लिखने के लिए इसलिए मिटाता हूं मैं, ठीक है। आप तो पोज करके बार बार वीडियो देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ध्यान दो। अब बच्चों क्या है कि जब पूरे सिस्टम को उठा के हमने द्रव में रख दिया, अब द्रव में रख दिया तो क्या फर्क पड़ा, रस्सी के बीच का जो कोण था, दोनों रस्सियों के बीच का जो कोण था टू थीटा, ठीक है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये बात शिक्षण ने कहा है, किसने कही है, शिक्षण ने कही। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं क्लास 11th में हमने, ठीक है, फ्लूड मैकेनिक्स जिसको हम एक्चुअल में द्रव यांत्रिकी बोलते हैं, द्रव यांत्रिकी में हमने पढ़ा है कि जब हम किसी गोले को द्रव में डालते हैं तो उसके ऊपर एक उत्प्लावन बल लगता है, क्या लगता है बच्चों, उत्प्लावन बल लगता है। तो यहां पर बच्चों क्या हुआ होगा, देखो अब इसका एफबीडी बनाता हूं मैं, किसका, जब ये द्रव में डूबा है, ये बनाया, यहां पर एक एमजी बल लगा। हम जानते हैं इस बात को कि निर्वात में तो, ठीक है, दो आवेशों के मध्य बल के, ठीक है, यहां पर के का मान होता है 1/4πε0q1q2r² होता है, और जब निर्वात माध्यम के अलावा कोई और माध्यम हो जाएगा तो वहां पर के का मान यानी स्थिर वैद्युत नियतांक के जो होता है उसका मान हो जाएगा 1/4πε0 × εr, ठीक है, उस माध्यम का पैरा वैद्युतांक या माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता, ठीक है। तो बच्चों यहां पर ये एम जी नीचे आ गया, ठीक है, ध्यान दे सर, एम जी किधर चला गया, नीचे चला गया, ध्यान दे, जब ये एम जी नीचे चला गया तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि अब, ठीक है, माध्यम के प्रभाव के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हो गया होगा वो एफी डैश हो गया होगा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। वृत्ति बल लगेगा, एम जी नीचे, यहां पर क्या हुआ होगा बच्चों, घटक अगर हम करेंगे तनाव के घटक करेंगे तो वही टी साइन थीटा तो आएगा ही, सॉरी टी कोस थीटा, ठीक है, और एक बल और ऊपर लगेगा, उसको बोल देते हैं हम एफ अप, क्या बोल देते हैं, एफ अप, ठीक है, उत्प्लावन बल, क्या बोल देते हैं बच्चों, एफ उत्प्लावन बल, यहां हो जाएगा आपका वही टी साइन थीटा, क्लियर। तो बच्चों अगर अपन यहां से आप देखें, ठीक है, वही एफी की जगह एफी डैश क्यों हुआ, माध्यम का प्रभाव है, टी साइन थीटा वही है, टी कोस थीटा वही है, एम जी वही है, द्रव में डूबने के कारण गोले पर एक उत्प्लावन बल और एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है, क्लियर। तो बच्चों यहां पर अगर हम देखें तो समीकरण नंबर जो द्रव निर्वात के लिए
अब मैं आ जाता हूं वापिस। एक बार हमने देखा अभी तक, ध्यान देगा, निर्वात के लिए क्या कंडीशन आई थी, टेन थीटा इज इक्वल टू एसी अपॉन एम। क्लियर, समीकरण एक। द्रव के लिए क्या कंडीशन आएगी वो तो चित्र आपने बनाएंगे, आप बनाते हैं ना, लाओ बनाओ, कैसे बनाएंगे बताओ। टी साइन थीटा इज इक्वल टू एसी डैश, ठीक है। और यहां पर अगर मैं टी कोस थीटा को सेपरेट करूंगा तो टी कोस थीटा ऊपर वाले बल कौन है, टी कोस थीटा, चलो मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूं, टी कोस थीटा प्लस एफ अप इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, एम जी। अब बच्चों में ये टी कोस थीटा का मान निकाल तो एफ अप उधर चला जाएगा, बस मैं यही बात बता रहा था आपको, ध्यान देगा। तो ये वाली जो लाइन है इसको हम ऐसे लिख देंगे, टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ अप। क्लियर, तो बच्चों वहां पर देखो टी से टी कैंसिल, वही टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है बच्चों, एफ ई डैश अपॉन एम जी माइनस एफ अप। क्लियर, ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर दो, ये हो गई समीकरण नंबर दो, कितनी हुई बच्चों, समीकरण नंबर दो। क्लियर, अब बच्चों हम क्या करेंगे आगे देखो, नेक्स्ट समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो दोनों ही टेन थीटा के मान को दे रहे हैं, समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो दोनों ही टेन थीटा को बताती है, इसलिए देखो हम दोनों को बराबर कर देंगे, यानी एफ ई अपॉन एम जी इज इक्वल टू एफ ई डैश अपॉन एम जी माइनस, ठीक है, एफ अप। क्लियर, ये समीकरण है, बस अभी क्वेश्चन होने ही वाला है बच्चों, ठीक है, ध्यान दें। अब बच्चों हमने एक सूत्र पढ़ा था, एफ माध्यम बराबर होता है एफ निर्वात बटे एप्सिलॉन होता है, तो यहां पर एफ माध्यम द्रव बराबर एफ निर्वात, एफ निर्वात क्या बोल रहे हैं अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, एफ द्रव जो है उसको हम अपन एफ ई डैश बोल रहे हैं, ई लगा देता हूं मैं, ई एफ ई डैश, ठीक है, एफ निर्वात को हम एफ ई बोल रहे हैं एप्सिलॉन आर, ठीक है, यानी हम एफ ई डैश की जगह एफ ई अपॉन एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहां आ जाओ वापिस, एफ ई अपॉन एम जी बराबर एफ ई डैश, इस एफ ई डैश की जगह लिखेंगे एफ ई अपॉन, क्या लिखेंगे बताओ, एफ ई अपॉन एप्सिलॉन आर। क्लियर, और नीचे एम जी माइनस एफ अप है, ठीक है, एफ ई से एफ ई तो करो कैंसिल, ठीक है। अब बच्चों वापिस से हम आते हैं, हम जानते हैं द्रव्यमान इक्वल टू कितना होता है, आयतन इंटू घनत्व, द्रव्यमान एम इज इक्वल टू होता है आयतन इंटू घनत्व। अब यहां पर घनत्व अगर मैं रो लिखता हूं, ठीक है, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ये घनत्व किसका है, पदार्थ का, जिससे कि आपके गोले बने पदार्थ का, ठीक है, ये घनत्व किसका है, रो मैंने घनत्व किसका लिखा है, पदार्थ, ठीक है, और द्रव का घनत्व किससे लिखूंगा मैं, सिग्मा, ये नोटेशन दे रहा हूं, यहां पर पदार्थ का घनत्व 1.6 है और द्रव का घनत्व 0.8 है, ये शुरू शुरू में मैंने आपको बताया था, बस ये क्वेश्चन होने ही वाला है बच्चों, देखो इधर, यहां हो गया 1/mg, यहां पर m के प्लेस पे द्रव्यमान इक्वल टू आयतन इंटू घनत्व रो इंटू जी, ये m के प्लेस पे लिखा है, द्रव्यमान m के स्थान पर रखा है हमने, आयतन इंटू घनत्व इज इक्वल टू, यहां पर क्या हुआ बच्चों, ये एप्सिलॉन आर को तो यहां ले लो आपके लिए, ये ऊपर तो बनी बचा, यहां पर क्या हुआ है ध्यान दें, एम जी माइनस एफ अप, एम जी जगह क्या लिख देंगे अपन, आयतन घनत्व जी। क्लियर, एफ अप उत्प्लावन बल, ठीक है, जब किसी गोले को द्रव में डुबोते हैं तो ऊपर उत्प्लावन बल जो लगता है वो कितना लगता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना ले रहे हैं हम, बी, द्रव का घनत्व, द्रव का घनत्व कितना होगा, सिग्मा, इनटू कितना लिखेंगे अपन, जी,
क्लियर। अब बच्चों हमें एप्सिलॉन आर का मान निकालना है, तो एप्सिलॉन आर को तुम इधर ले लूंगा, बाकी सबको इधर ले लेता हूं, तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों जीरो जी अपोन, ये उधर चला गया, नीचे बन जाए यहां पर बी, ठीक है, और जी को कॉमन ले लेते हैं, बी जी, तो यहां हो जाएगा आपका रो माइनस सिग्मा, आयतन से आयतन कैंसिल, जी से जी कैंसिल, आपके पास बचा रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, क्लियर। तो बच चलो रो का मान बताओ, रो क्या था, पदार्थ का घनत्व 1.6, रो 1.6 माइनस द्रव का घनत्व 0.8, कितना आंसर आया, 1.6 में 0.8 जाएगा, 0.8 बचेगा, ये 0.8 ऊपर है 1.6, कितने बार कैंसिल होगा, 2 टाइम्स, यानी कि एप्सिलॉन आर फाइनली आपको मिलेगा 2, यानी कि जिस द्रव में हमने इस सिस्टम को डुबोया था वो द्रव का पैरा वैद्युतांक या उस द्रव की आपेक्षिक वैद्युतशीलता कितनी थी बच्चों, 2। क्लियर, चलो ठीक, आज के लिए बहुत बाय बाय, धन्यवाद।